हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉकटेल की वाइंस। दोस्तों, जब भी हम बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं और अगर आपके पास कोई पेट है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि पेट को हम साथ में लेके जाएं। अगर आप पे डॉग है तो आप कहीं ना कहीं उसे आसानी से ले जा सकते हैं, लेकिन जब बात आती है बर्ड्स की तो बर्ड को साथ में लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, भले आपके पास कार ही क्यों ना हो। जैसा कि मैं अपनी बात करूं, मेरे पास कार है लेकिन मैं अपने केज को जब कार में बैक सीट पर रखती हूं तो उसमें सिर्फ एक ही इंसान बैठ सकता है। अगर आपको चार लोगों को साथ लेके जाना है तो वो कैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा जो केज है वो पूरी जगह दो इंसान की आसानी से ले लेता है। तो उसके लिए मैंने गूगल किया, बहुत सारे प्रोडक्ट चेक किए, तो मैंने अमेजन पे एक प्रोडक्ट देखा, एक बैग है जो मैंने अपनी बर्ड्स के लिए ऑर्डर किया, जो आप यहां देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो बैग है मुझे अराउंड 1700 का पड़ा था। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, मैंने जो ऑप्शन लिया वो मैं आपके सामने अनबॉक्स करके दिखाऊंगी। और भी ऑप्शंस हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी है ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो आज मैं आपको बताऊंगी जो प्रोडक्ट है, जो बैग ऑनलाइन अमेजन पे जो अराउंड 1700 का है, तो उसकी क्वालिटी कैसी है। दोस्तों, ये है बॉक्स, बॉक्स काफी बड़ा है क्योंकि बैग भी बहुत बड़ा है, इसलिए ये बॉक्स थोड़ा सा बड़ा है। तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं बैग कैसा है। ठीक है, दिस इज अ प्रीव्यू फाइल। दोस्तों, ये रहा बैग। मैंने ये बैग ऑर्डर किया था क्योंकि मेरी बर्ड्स का कलर ऑलरेडी बहुत लाइट है, येलो और ब्राउन कलर का, तो मुझे लगा कि ये कलर अच्छा रहेगा, इसके लिए मैंने ये बैग ऑर्डर किया था। दोस्तों, ये रहा बैग। बैग को इस तरीके से इन्होंने पैक किया है, पीछे से आप देख सकते हैं इस तरीके से है। सामने से ये प्लास्टिक का, इसलिए इसको शायद इन लोगों ने कवर किया है, तो ये मैं उठा देती हूँ। इस पे एक, मैं थोड़ा कैमरा पास लेके देखिए, इसमें जो एक प्लास्टिक की और है, यहाँ पे पॉलीथीन लगाई गई है जिससे कि अंदर की जो प्लास्टिक है वो कवर रहे, जिसमें स्क्रैचेस ना आए। ठीक है, ये है आपका बैग, साथ में तो कुछ नहीं आया, बस ये है अंदर। ये दिया गया नीचे प्लेटफॉर्म के लिए, इसको ऐसे रखना है और ये आपकी बस जिप जो है वो इस तरीके से बंद हो जाएगी। ठीक है, क्वालिटी देखो, मैं सच बता रही हूँ, जो प्लास्टिक है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। आप देखो, साउंड देखो, शायद ये अगर आपके हाथ से अगर स्लिप हुआ या फिर आपके हाथ से गिरा तो शायद इसकी प्लास्टिक टूट सकती है, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो बैग है इसका, ये जो पीछे का तनी है ये ठीक है, मतलब इसकी मैं अगर ओवरऑल इसकी क्वालिटी देखी जाए तो बैग इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। अगर मैं 1700 रुपए को जस्टिफाई नहीं करता ये बैग, अगर मैं इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग चलूं तो ये इतना जस्टिफाई नहीं करेगा, क्योंकि 1700 अमाउंट अच्छा खासा है। ठीक है, ये जो बैग है इसमें आप देख सकते हैं साइड में बर्ड्स की एयर के लिए अच्छे से उनको ऑक्सीजन मिल सके, तो ये यहाँ पे नेट दिया गया है और सेम इस साइड भी ये नेट है। ठीक है, यहाँ पे होल्स दिए गए हैं, उसका रीजन मे बी आपको लकड़ी का कुछ लगाना उसके लिए दिया गया होगा, या कोई टॉय लगाना है तो आप इसमें हैंगिंग कर सकते हैं। ठीक, ये दे रखा है साथ में, ये है, ये होल इसलिए है कि शायद यू शेप का एक पर्च आता है जिसे आप इस पर कैरी कर सकते हैं, जिसपे आपकी बर्ड्स आसानी से बैठ सके। और साथ में अगर आपकी बर्ड अंदर है और अगर आपको अपनी बर्ड्स को खाना या पानी देना है तो आप इसके थ्रू भी दे सकते हैं। ठीक है, आप इसे अच्छे से कैरी तो कर सकते हैं। इसकी जो ये है बेल्ट है वो काफी बड़ी है, ये देखिए नॉर्मल बैग्स के बराबर ही है, जो नॉर्मल बैग होते हैं उसके बराबर ये बेल्ट है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी जो कॉकटेल बर्ड्स है, मैं एक बार उसको इनमें बिठा के देखती हूँ वो आसानी से बैठ पानी है कि नहीं, तब आप इस प्रोडक्ट के लिए सोच सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी दोनों कॉकटेल बर्ड्स को इसमें अंदर रखा हुआ है, वो थोड़ा सा डरी शुरू में बट अभी ठीक है थोड़ा। तो ये जो देख रहे हो ना आप, थोड़ा पास लेके आओ कैमरा, थैंक यू। देखिए, आप इनके पीछे टेल देख रहे हो ना, वो इतना कंफर्टेबल होके नहीं बैठी हुई हैं, तो ये इनके हिसाब से थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि मेरी बर्ड्स अभी 6 to 7 month की हैं, उसके अकॉर्डिंग तो ये छोटा है, शायद इनका साइज भी इतना ही रहता है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये जो बैग है इसमें मैं एक बात और आपको बताती हूँ, जो इसकी जिप है ना, इसकी जो जिप है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ये देखो, यहां से ये थोड़ा सा टाइट है और थोड़ा सा ये अटक भी रहा है, तो
आप ये भी थोड़ा ध्यान रखिए अगर आप लेने वाले हैं। अगर आप लव बर्ड्स हैं, बजीज हैं, तो ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। बट प्राइस मैं अभी बोलूंगी, प्राइस इसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है, पर ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, आप आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हैं, आपको केज ले जाने की जरूरत नहीं है, आप यहां से इनको खाना दे सकते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है, आपको ये बैग पसंद है या नहीं है। ओवरऑल मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि ये क्वालिटी कैसा है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो मैं नहीं बता पाई, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, तो मैं वो भी मेंशन कर दूंगी। जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल पर वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।